जमीन के बीच पार्लियामेंट के प्रत्याशी जो आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं, रामानंद जी लोकसभा इंचार्ज लुधियाना बहुजन समाज पार्टी, उनको से मैं आग्रह करता हूँ कि अपने तमाम साथियों वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय भीम, जय भीम। तो भी आज के मुबारक दिन की 14 तारीख को था ये दिन, तो ये आपकी श्रद्धा है, चाहे रोज मनाओ। जब श्रद्धा की बात आती है तो पत्थर में प्रभु को दर्शन देने पड़ जाते हैं। तो ये श्रद्धा है कि ये उस महान व्यक्ति ने, ये संस्था, उस महान संस्था का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन, जिनके बनाए एक बहुत बड़े संविधान के ग्रंथ के तहत, अगर मैं बोल रहा हूं ना आजादी की, तो इनके महान ग्रंथ की बदौलत, अगर वोट डलिए ना 19 तारीख को लोकसभा के लिए, तो राजा जो मां के पेट के मां के गर्भ में से पैदा होता था, मां के पेट में, तो अब वो मतदान पेटी के गर्भ से पैदा होता है, ईवीएम से पैदा होता है। तो वो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऐसा संविधान हमको दिया। वो लोग जो इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं संविधान के साथ, मेरे को आप लोगों ने दूसरी बार विधानसभा में भेजा एमएलए बना के, तो ये दो पवित्र सदन है, यहां पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए संविधान की रोशनी में कानून बनते हैं, बने हुए कानूनों में संशोधन होता है, कोई करेक्शन करनी है। इनके बनाए संविधान के ऊपर हम कानून नहीं बना सकते, कोई सरकार छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ये जो समय के लुटेरे सरकारों वाले हैं ना, तो ये संविधान के साथ भी छेड़छाड़ करते, कहां ये सरकारें, किसने रोकना रिश्वतखोरी को। तो उसके लिए ये पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस बना, लुधियाना में, संगरूर में, फतेहगढ़ साहब में लेटर बॉक्स, इस लेटर बॉक्स में आप कोई कंप्लेंट शिकायत डालोगे तो रद्दी की टोकरी में नहीं जाएगी, उसकी सफाई कराने की जिम्मेदारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, जय भीम, जय भीम, इनकलाब, इनकलाब, जय भीम, जय भारत। अज असी अपना जो कि न्यू सुभाष नगर शमशानगढ़ की बैकसाइड में बाबा साहब का 128वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो उस प्रति असी इन्होंने गलबात करांगे। वो किन्ने चिर हो गए इन्हों जो भी हर बार कराते हैं प्रोग्राम, इस बारे दसना चाहेंगे। अज संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 128वां जयंती, डॉक्टर अम्बेडकर युवा दल राष्ट्र पंजाब के तत्वाधान में इकाई बंदा बहादुर कॉलोनी गुरु रविदास धर्मशाला में मनाई जा रही है। और मैं अपने लोगों को इस मंच के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने त्याग और बलिदान दे करके इस बहुजन समाज की सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान के लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत करके भारतीय संविधान को तैयार करके अधिकार देने का काम किया। साथियों, आज जो हालात भारत देश में जो बीत रहे हैं, वो बहुजन समाज के लिए विकट परिस्थितियां बीत रहे हैं। जो मौजूदा जो वर्तमान सरकार आज इस देश में मनुवादी के विचारधारा की सरकार बीजेपी की जो चल रही है, भारतीय संविधान को नष्ट और बर्बाद करने के लिए तुली हुई है। तो ये मनुवादी से लड़ने की जो बात हो रही है, इसको अगर हम सभी मिलकर जब लड़ेंगे तो हमें उम्मीद है कि हम बहुजन समाज के जन्मे संत महापुरुष के दिए हुए सम्मान और अधिकार को बचा सकते हैं। मैं अम्बेडकर मिशन न्यूज चैनल के लिए मैं बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहूंगा, और हमें इस बात की खुशी है कि आज इस 21वीं सदी में खास करके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वोकल मीडिया है, जो जो हमारे बहुजन समाज के
किसी भी जमीनी स्तर की न्यूज जो है नहीं दिखाने का काम करते हैं। लेकिन जो आज जो है कि अमेरिकन मिशन न्यूज के तहत पूरे अपने बहुजन समाज के जो कृतित्व है, व्यक्तित्व, बाबा साहब या महापुरुषों के विचार को लेकर के ये दिखाने का जो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी इस देश के अंदर में आप लोगों ने इसका मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो चैनल जो है इसी तरह से आपके बढ़ाते रहें, और हम सभी जो है किसी तरह के भी ऐसी बातें आती हैं हम लोग सपोर्ट और सहयोग करने के काम करेंगे।